खबरों में बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के कन्नौज खातेगांव ब्लॉक के अतिथि अध्यापकों को पिछले 7 माह से वेतन नहीं मिला है। अतिथि अध्यापकों ने वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर कन्नौज SDM KC परते व प्रदेश कांग्रेस महासचिव कैलाश कुंडल को ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले आक्रोशित अतिथि अध्यापकों ने वेतन और नियमितीकरण को लेकर कन्नौज SDM व प्रदेश कांग्रेस महासचिव कैलाश कुंडल को ज्ञापन सौंपा है। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि हमारी हालत दयनीय हो चुकी है। जब से कमलनाथ की सरकार बनी है तब से वेतन के लाले पड़ गए हैं। जब भी वेतन के बारे में पूछते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी आवंटन नहीं होने का कहकर टाल देते हैं, जिसको लेकर आक्रोशित अतिथि शिक्षकों ने कन्नौज SDM व प्रदेश कांग्रेस महासचिव कैलाश कुंडल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया कि कांग्रेस के वचन पत्र के अनुसार अतिथि अध्यापकों का नियमितीकरण किया जाए। ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप सिंह परमार ने बताया कि मंत्रियों का कहना है कि अभी सरकार के पास खजाना खाली है और नियमित करने पर वित्तीय भार पड़ेगा, जिस पर संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार पर वित्तीय भार ना पड़े उसके लिए हम ऐसा शपथ पत्र देने को तैयार हैं कि हम 3 साल तक एक वेतन पर ही काम करेंगे और वेतन बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे। जिस वेतन पर आज काम कर रहे हैं उसी वेतन में 3 वर्ष तक काम करने को तैयार हैं और ना ही कोई आंदोलन या धरना प्रदर्शन करेगा। सरकार सिर्फ हमारा नियमितीकरण वचन पत्र के अनुसार कर दे। इस दौरान कन्नौज खातेगांव के ब्लॉक अध्यक्ष व जिला प्रवक्ता सहित कई अतिथि शिक्षक मौजूद रहे। नियमितीकरण की जो हमारी एक सूत्री मांग है उसके लिए हमारे यहाँ जो कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है भैया पप्पू जी कुंडल साहब, उनको हमने आज ज्ञापन सौंपा है। और हमारी जो जायज़ मांग है, जैसे कि हमारा प्रदेश कार्यकारिणी जो है उसने भी जिस प्रकार से हमारी मांग को कहा है एक ज्ञापन के या एक शपथ पत्र के तौर पर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सामने मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी बात को रखा है कि हम लोग इसी वेतन पर 3 वर्ष तक अनिवार्य रूप से सेवा देंगे और ना ही कोई आंदोलन करेंगे ना ही कोई हड़ताल करेंगे। 3 वर्ष अभी जो वेतन हमें मिल रहा है बस इसी वेतन पे हम 3 वर्ष तक काम करने के लिए तैयार है, परंतु ये हमारा जो वेतन है 12 माह का कर दिया जाए और एक प्रकार से हमें नियमित रूप से वेतन दिया जाए, जैसा कि आज हम लोगों को खातेगांव ब्लॉक के या कन्नौज ब्लॉक के या समस्त जितने भी मेरे अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं उन्हें जनवरी माह से वेतन नहीं मिला है। तो जनवरी माह से वेतन मिलना नहीं मिलना मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ी हानि है। आज हम हमारे बच्चों के चेहरों की तरफ जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दुख होता है कि यार हम इस प्रकार से, अभी जैसे कि हमने भोपाल के अंदर शिक्षक दिवस था उस दिन, परंतु अब इससे बड़ी और क्या बात होगी कि शिक्षक दिवस के दिन भी एक शिक्षक को भीख मांगना पड़ रही है। तो मेरे ख्याल से तो हमने शिक्षक दिवस नहीं, इस साल हमने भिक्षक दिवस मनाया था। और कहीं ना कहीं यदि ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम अतिथि शिक्षक जितने भी हैं बहुत उग्र आंदोलन करेंगे और बहुत कड़ा रुख सरकार के खिलाफ अपनाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं ये सरकार भी हम लोगों के लिए विचार करेगी, मेरा ऐसा ही विनय है, उनसे प्रार्थना है। धन्यवाद। मैं अतिथि शिक्षकों की क्या मांग है, देखिए व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मेरा सोचना है ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये विषय शामिल था और सरकार इस बारे में विचार भी कर रही है, लेकिन जो भी समस्या लेकर मेरे पास आप सारे साथी लोग जो आए हैं कि 7 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला है, ये वाकई में इनके साथ गलत हो रहा है। सभी लोग परिवार चला रहे हैं, बगैर तनख्वाह के बगैर पैसे के कैसे आप पालन पोषण करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो शब्द जो बताया गया कि इन्होंने शपथ पत्र दिया है कि हमको चाहे 10 महीने की तनख्वाह दो, लेकिन छुट्टियों के दिन जो तनख्वाह काटी जाती है वो गलत है। इसी तनख्वाह पे 3 साल तक काम करने के लिए लोग सहमत हैं, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत है। और अगर ये बात सही है तो मैं निश्चित रूप से कल बैठक है भोपाल में मुख्यमंत्री जी के सामने, शिक्षा मंत्री जी के सामने इस बात को दमदारी से रख के इस बात को पूरा कराने की कोशिश करूँगा। सर क्या मामला है? अतिथि शिक्षक संघ द्वारा जो है मुझे आज ज्ञापन दिया गया है, इनकी मांग एक जो जनवरी 2019 से अभी तक जो है उनका वेतन मानदेय के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, इसके संबंध में अवगत कराया गया है। तो मुझे जानकारी कल जो लगी थी कि ऐसा हो रहा है तो मैं BO से मतलब इस पर चर्चा किया तो कहने लगे अभी जो है हमको उसका बजट का अभी कोई लोकेशन नहीं मिला है, जब बजट आ जाएगा तो उनको भुगतान कर दिया जाएगा। बिल भी उन्होंने बना लिए हैं, लेकिन वो
सबमिट करते तो जो है बजट के अभाव में जो है वो लग नहीं पाते हैं, तो ये जैसे ही बजट हो जाएगा तो उसका भुगतान करा दिया जाएगा। अच्छा सर, ये वेतन के अलावा और कुछ भी मांग है इनकी? जो नियमितीकरण की मांगे हैं जो शासन से संबंधित हैं, उसके संबंध में तो शासन खुद स्वयं मतलब अपना इसके संबंध में चर्चा कैबिनेट में हो रही है, वो जो निर्णय लेंगे वो उसका सभी के लिए वो एमपी में लागू होगा। ठीक सर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।